घर और किचन के काम से परेशान हैं तो आप भी अपनाएं इन छोटे छोटे टिप्स को और चुटकियों में सारे काम खत्म कीजिए। अब टाइम और पैसे दोनों की ही बचत कीजिए। नंबर वन, यदि आप किशमिश को 2 से 3 महीने तक सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उसे किसी एयरटाइट डिब्बे में रखकर फ्रिज में रखें। जब भी खीर, हलवा या स्वीट डिश में डालना हो तो डालने से पहले 15 मिनट तक गुनगुने पानी में डुबोकर रख दें। बाद में साफ कपड़े से पोंछ लें, 10 मिनट तक सूखने दें। नंबर टू, रायते में पिसा हुआ जीरा पाउडर और हींग डालने की बजाय जीरा और हींग का तड़का लगाकर खाएं, रायता बहुत टेस्टी लगेगा। नंबर थ्री, प्याज भुनते समय उसमें शक्कर या चुटकी भर बेकिंग सोडा मिला देने से प्याज जल्दी भुन जाता है। नंबर फोर, ठंडी में सिलेंडर ख़त्म होने के बाद किसी गहरे बर्तन में गर्म पानी डालकर उसमें सिलेंडर रख दें, फिर आप उससे 2 से 3 टाइम का खाना आराम से बना सकते हैं। सर्दियों की वजह से गैस सिलेंडर में जमा रहती है। नंबर फाइव, सर्दियों में हरी मटर को ज़्यादा दिनों तक ताज़ा रखना चाहती हैं तो मटर को छीलकर दानों को किसी साफ बोतल में भरकर रखें। नंबर सिक्स, सूजी का हलवा बनाते समय उसमें थोड़ा सा बेसन मिलाकर भून लें। बेसन से सूजी के हलवे का कलर और टेस्ट दोनों ही बढ़ जाता है। नंबर सेवन, कुरकुरी और क्रिस्पी भिंडी बनाने के लिए सब्जी बनाते समय भिंडी में 2 से 3 बूंद नींबू का रस मिलाएं, सारी चिपचिपाहट 2 से 3 मिनट में दूर हो जाएगी। नंबर एट, इसी तरह के चावल बनाते समय उसमें 1 टीस्पून नींबू का रस मिलाने से चावल खिले खिले रहते हैं। नंबर नाइन, क्रिस्पी पूरी बनाने के लिए पूरी का आटा टाइट गूंदें। यदि आटा नरम हो गया है तो 30 मिनट तक फ्रीजर में रखें। पूरी बेलने के बाद तेज़ गर्म तेल में तलें। पूरी क्रिस्पी बनेगी और तेल भी कम सोखेगी। नंबर 10, सब्जी की ग्रेवी बनाते समय अगर ग्रेवी ज़्यादा खट्टी हो जाए तो थोड़ी चीनी मिला के ठीक की जा सकती है। नंबर 11, फूल गोभी की सब्जी बनाने से पहले गोभी को फ्राई करना पड़ता है। गोभी फ्राई करने से पहले 2 से 3 बूंद वाइट विनेगर की डालकर फ्राई करने से सब्जी का कलर और टेस्ट दोनों ही बढ़ जाता है। नंबर 12, घर में दही जमाने के लिए जामन नहीं है तो गुनगुने दूध में 1 हरी मिर्च डालकर दूध को ढककर 3 से 4 घंटे के लिए रख दें, दही आराम से जम जाएगी। नंबर 13, सब्जी की ग्रेवी को गाढ़ा बनाने के लिए 1 टीस्पून सत्तू पानी में घोलकर सब्जी में मिलाएं, गाढ़ा होने तक पकाएं। सत्तू से सब्जी का स्वाद भी बढ़ेगा और ग्रेवी भी गाढ़ी हो जाएगी। नंबर 14, साबुत मसालों के कारण अगर सब्जी का तीखापन बढ़ गया है तो उसे कम करने के लिए फ्रेश क्रीम, दही और ताज़ी मलाई फेंट कर डालें, तीखापन कम हो जाएगा। नंबर 15, तंदूरी रोटी बनाने के लिए यदि घर में दही नहीं है तो फटे हुए दूध के पनीर बनाने के बाद जो पानी बच जाता है आप उससे भी आटा गूंथ सकती हैं, इससे भी तंदूरी रोटी बहुत टेस्टी और नरम बनेगी। अगर इनमें से कोई भी नुस्खे आपके काम के हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।